Hi friends, welcome back to my channel, and in today's video I will be showing you this simple winter makeup look, and also with that I will be showing you simple easy tips and tricks for doing winter makeup. So yeah, without any further ado, let's get started. सो फर्स्ट यहाँ पे मैं सनस्क्रीन इस्तेमाल कर रही हूँ, एंड विंटर्स में हमें बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए सनस्क्रीन. सनस्क्रीन उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि समर्स में, सो प्लीज़ डोंट अवॉइड दैट. आफ्टर सनस्क्रीन मैं यहाँ पर थिक मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कर रही हूँ. ये है बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर. ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इससे मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटेड रहती है एंड बिल्कुल भी ये हमारी स्किन को ड्राई नहीं रखता है. तो आप कोई भी अपनी पसंद का अच्छा सा थिक मॉइस्चराइज़र ज़रूर इस्तेमाल करें. उसके बाद मैं यहाँ बायोटिक की लिप बाम इस्तेमाल कर रही हूँ. आप कोई भी अपनी पसंद की लिप बाम इस्तेमाल ज़रूर करें. आफ्टर दैट मैं यहाँ पे प्राइमर इस्तेमाल कर रही हूँ. ये क्रीमी बेस्ड प्राइमर है, सो मेक श्योर कि विंटर्स में आप सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर इस्तेमाल ना करें, वो आपकी स्किन को और ज़्यादा ड्राई बना देगा. सो बजाय उसके आप कोई भी ऑयल बेस्ड प्राइमर या क्रीम बेस्ड प्राइमर इस्तेमाल कर सकते हैं. ये जो प्राइमर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बहुत ही अच्छा ड्यूई फिनिश भी देता है और काफ़ी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, स्मूथ बना देता है. तो उसके बाद आप फाउंडेशन इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है, स्मूथ फिनिश आपको देता है. और ये जो प्राइमर मैंने इस्तेमाल किया है ये वेट एंड वेल का डूई लूमिनिक्स प्राइमर है. बहुत ही अच्छा डूईनेस देता है, मेकअप के बाद आपकी स्किन बिल्कुल भी डल नहीं दिखती और बहुत ही ग्लोइंग दिखती है. उसके बाद यहाँ पे मैं लैक्मे का फाउंडेशन इस्तेमाल कर रही हूँ. इसकी भी जो है वाटरी लाइक कंसिस्टेंसी है, सो मेक श्योर फाउंडेशन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो वाटरी लाइक कंसिस्टेंसी हो, बहुत ज़्यादा थिक ना हो और उसका मीडियम टू श्योर कवरेज ही हो. बहुत ज़्यादा हाई कवरेज फाउंडेशन आप इस्तेमाल मत कीजिए, अदरवाइज जो है उससे आपका फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा केकी लग सकता है. और उसे देन मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. ये जो फाउंडेशन है बहुत ही ज़्यादा नेचुरल फिनिश भी देता है, सो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में. एंड उसके बाद मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का जो है कंसीलर इस्तेमाल कर रही हूँ. अपने फेस के जो भी डार्क एरियाज़ हैं, पिगमेंटेड एरियाज़ हैं, वहाँ पे इस्तेमाल करूँगी. और मेक श्योर कि अगर आप कंसीलर इस्तेमाल कर रहे हैं सो बहुत ही मिनिमम इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा अप्लाई ना करें. देन मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कहीं पे भी कम ज़्यादा ना रहे एंड उबर के जो है दिख के ना आए ये कंसीलर. उसके बाद मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ और इसे जो है अपने आईब्रोज फिल इन कर लूँगी. सो फॉर कॉन्टोर यहाँ पे मैंने ये क्रीमी बेस कॉन्टोर पैलेट लिया है. ये मास्क का कॉन्टोर पैलेट है, सो मेक श्योर कि विंटर्स में आप जो भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रीमी बेस हो, क्योंकि अगर आप कोई भी पाउडरी बेस प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं वो आपकी स्किन को ड्राई बना सकते हैं. आई नो थोड़े से जो क्रीमी प्रोडक्ट्स होते हैं वो ब्लेंड करने में काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं. सो जो भी प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ डेफिनेटली आप उन्हें ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं. ब्लशर मैंने यहाँ पे निक्स कॉस्मेटिक्स का ब्लशर लिया है. ये भी एक क्रीमी बेस ब्लशर है, एंड अगर आपके पास क्रीमी ब्लशर ना हो सो आप कोई भी क्रीमी लिपस्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट विल डू द सेम जॉब फॉर यू. एंड ये ब्लशर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल दिखता है चिक्स के ऊपर. ऐसा लगता है आपके नेचुरली चिक्स इतने यू नो पिंकिश हैं. देन मैंने यहाँ पे काली कॉस्मेटिक्स का आई शेडो पैलेट लिया है एंड उसका ये ऑरेंज शेड पिक किया है, एंड इसे अपने आईलिड एंड क्रीज एरिया में अप्लाई करूँगी ताकि अच्छा सा वार्म इफेक्ट आ सके एंड आईज़ को थोड़ा सा अच्छा शेप मिल सके. सो विंटर्स में मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स का इस्तेमाल ना करें, न्यूट्रल कलर्स का इस्तेमाल करेंगे सो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, काफ़ी नेचुरल आपका मेकअप लगता है. सो अगर आप चाहें तो इसे ऐसे ही रख सकते हैं या फिर आप विंग लाइनर भी ड्रॉ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा. बट मुझ पर विंग लाइनर इतने अच्छे नहीं लगते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे काजल लिया है. ये प्लम का काजल है एंड इसे मैं एज अ लाइनर अप्लाई करूँगी. बहुत ज़्यादा विंग इफेक्ट नहीं दूँगी बट येस थोड़ा सा मैं विंग इफेक्ट ज़रूर दूँगी एंड इसे अपने पूरे आईज़ के ऊपर अप्लाई कर लूँगी.
उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का मस्कारा लिया है एंड इसे मैं अपने अपर लैशेज एंड लोअर लैशेज में अप्लाई कर लूँगी। हाइलाइटर के लिए मैंने ये क्रीमी बेस आई शेडो पैलेट लिया है, ये रेवलॉन का आई शेडो पैलेट है। अगर आप चाहें तो कोई भी लिक्विड हाइलाइटर इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपके पास लिक्विड एंड क्रीमी बेस हाइलाइटर ना हो सो आप जो है आपके ब्यूटी ब्लेंडर में थोड़ा सा फिक्सर स्प्रे करके एंड उसको हाइलाइटर में डिप करके भी अप्लाई कर सकते हैं, सो दैट विल ऑल्सो डू द सेम जॉब। देन लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पर मैटमी की लिपस्टिक ली है, ये बहुत ही अच्छा इसका क्रीमी फॉर्मूला है एंड मैट है, सो क्रीमी है सो आपके लिप्स को ये ड्राई भी नहीं करती है एंड मैट है सो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है। एंड इस तरह के डार्क कलर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं एंड विंटर्स में आप डार्क कलर्स की लिपस्टिक्स अप्लाई करेंगे तो काफ़ी आपका मेकअप अच्छा लगेगा। लाइट मेकअप पर डार्क लिपस्टिक्स काफ़ी अच्छी लगती हैं। So that's it for today's video guys. I really hope this video was helpful for you. If yes, then please don't forget to hit the like button and do subscribe to our channel and I'll see you in my next video. Till then, bye bye, take care. I love you all. Bye.